एलविश यादव को एक बड़ा झटका लग गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया उनको। साथ में उनके एक और मुसीबत आ गई है। एलविश यादव मशहूर यूट्यूबर है, बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल इनका सिस्टम थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने और वीडियो शूटिंग के दौरान सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में संडे को एलविश यादव को गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि एलविश यादव का कहना था कि सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप इनके ऊपर गलत लगा हुआ है और वो बिल्कुल बेगुनाह है। गिरफ्तारी के बाद एलविश का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वो पुलिस वालों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन समेत कई गंभीर धाराओं में एलविश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन NDPS एक्ट एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल नशीला पदार्थ खरीदना, बेचना और बनाने या सेवन करने वालों पर ये एक्ट लगता है। इस एक्ट के तहत अगर एलविश यादव आरोपी सिद्ध होते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल की जेल भी होगी, वहीं उन्हें 1 से 2 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इससे कुछ दिन पहले ही एलविश यादव न्यूज में फिर से आए थे क्योंकि उन्होंने एक यूट्यूबर के साथ मारपीट कर ली थी। हालांकि वो मैटर इनका रिजॉल्व हो चुका था। रविवार को नोएडा पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो जेल में चले गए अभी फिलहाल। इसके बाद से कुछ अपडेट अभी आया नहीं, जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। और आपको क्या लगता है, एलविश यादव के ऊपर ये सारे झूठे आरोप है? कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।